बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट करेंगे, लेकिन लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने बीएसपी के उम्मीदवार को ही वोट डाला है। बीएसपी में क्या रणनीति चल रही है, चूंकि साख दांव पे है। बात करते हैं बीएसपी के दो विधायक उमाशंकर सिंह और असलम रानी जी। बहन जी तो लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं कैसे क्या वोट हो रहा है, रितेश भी पीछे से देख रहे हैं, क्या है चेहरे पे मुस्कान है लेकिन अंदर है कि नहीं मुस्कान? नहीं, देखिए ये मुस्कान जो अभी है यह मुस्कान शाम 4 बजे तक रहेगी, और क्योंकि जो कयास आपके मीडिया बंधुओं द्वारा लगाए जा रहे थे कि हमारे ये क्रॉस वोट करेंगे वो करेंगे, उन सारे लोगों का वोट अंदर पड़ गया है और सब लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के जो हमारे नेता हैं विधानमंडल में उनको वोट दिखा करके सब लोगों ने वोट दे दिया है। तो वो कयास के दिखा कर वोट डाल रहे हैं सब लोग? आप बिल्कुल दिखा के वोट डाल रहे हैं, और जो कयास लगाए जा रहे थे उस कयास पे तो अब विराम लग गया, इसलिए कि अब उसमें से कोई हमारे यहाँ से बचाई नहीं। वंदना के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्रॉस वोटिंग कर रहे थे, वही वंदना जी का वोट हो गया है, और अभी हम माननीय वर्मा जी से पूछ के आ रहे हैं, उन्होंने हमको हमारे प्रत्याशी को दिखा करके वोट दिया है माननीय वंदना जी ने। असलम जी बात इसीलिए उठी है चूँकि कल योगी जी के घर पर पहुँच गए आपकी पार्टी के एक विधायक अनिल सिंह, तो इसीलिए लग रहा है कि बीएसपी सबसे आसान है जिसमें सेंध लग सके। ऐसा कुछ नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी के लोगों को सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उनकी गलत फहमियाँ हैं वो दूर कर लें, क्योंकि मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सितम के हाथ तो बैत हो नहीं सकते, अब इम्तिहान की घड़ी है, टाल दूँ कैसे? आंकड़े बताइए, अगर पाँव में काटा तो निकाल सकते थे, किसी के जहन का काटा निकाल दूँ कैसे? आंकड़े चौंकाने वाले होंगे, और ये देखिएगा कि बहुजन समाज पार्टी दूसरा भी अनिल सिंह तो नहीं आ सकते उधर, ये तो आपको वक्त बताएगा शाम को 7 बजे तक, लेकिन हम लोग पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और मुतमईन हैं कि बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट बीआर अंबेडकर जी अच्छे वोट से जीतेंगे, और रिजल्ट चौंकाने वाला आपके चैनल के माध्यम से आएगा और निश्चित आएगा, आप देखो। तो ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।